तीन बार देश के प्रधानमंत्री की गद्दी को संभालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी देश की राजनीति का एक ऐसा सशक्त चेहरा है जिनके नाम की कस्में इस दौर के सियासतदान खाते हैं। सियासत में कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाले अटल जी ताउम्र भर उन्होंने शादी नहीं की। भले ही अटल जी ने जिंदगी भर शादी नहीं की मगर प्रेम की गुलामी के एहसास से वो भी कहां बच सके। जी हाँ, असल में हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ बेहद दिलचस्प है बल्कि वाजपेयी के एक रूप को भी दुनिया के सामने लेकर आती है जो शायद बहुत कम लोग जानते हों। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी राजकुमारी हक्सार से मिले। कुछ जगह पर ये बात पढ़ने को मिलती है कि वाजपेयी ने राजकुमारी कौल के लिए एक लव लेटर लिखा था और किताब में छोड़ दिया था, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिला। वैसे ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राजकुमारी ने भी अटल जी के लिए लव लेटर लिखा, लेकिन कमाल की बात तो ये रही कि वाजपेयी जी को भी वो लेटर नहीं मिल सका। बता दें, वाजपेयी और राजकुमारी की शादी इसलिए भी नहीं हो सकी क्योंकि राजकुमारी के घर वाले राजी नहीं हुए। मीडिया में छपे एक लेख के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी गोदली बेटी नमिता के पति रंजन भट्टाचार्य की बड़ी तूती बोलती थी। यहाँ तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश दौरे पर जाते थे तो उनके साथ नमिता और रंजन साथ जाया करते थे। इसके बाद वहां पर भी उनके पास फोन आता था कि वाजपेयी जी की दवाइयों का समय हो गया है, उनको दवाई दे देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कॉल राजकुमारी किया करती थी। फिलहाल वाजपेयी जी भले ही कुंवारे रहे लेकिन प्रेम रस से वो भी खुद को बचा ना सके। आज भी उनके इस प्रेम कहानी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।